दोस्तों आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे अजीबोगरीब कानून जिन्हें आपने भी जरूर तोड़ा होगा। नंबर वन, बचपन में हम क्रिकेट खेलते हुए बॉल लेने बहुत बार दूसरों की प्रॉपर्टी में गए हैं और बड़े होने के बाद भी कभी हम दूसरों के जमीन में घूमने चले जाते हैं, लेकिन भारतीय कानून की धारा सेक्शन 441 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के घुसता है तो इसे अपराध माना जाता है और प्रॉपर्टी का मालिक अगर प्रॉपर्टी में घुसने वाले व्यक्ति की शिकायत करता है तो उसे जेल तक हो सकती है। नंबर टू, बहुत से लोग चाहते हैं कि रास्ते पर उन्हें बहुत सा पैसा गिरा हुआ मिले और बहुत से लोगों को कभी ना कभी मिला भी होगा, लेकिन 1878 के इंडियन ट्रेजरी ट्रूप एक्ट के अनुसार अगर आपको रास्ते में 10 रुपए से ज्यादा पैसे गिरे हुए मिलते हैं तो तुरंत आपको नजदीकी पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पुलिस को पता चल जाता है कि पैसे आपको मिले तो आपको चोर माना जाएगा और सजा दी जाएगी। नंबर थ्री, बहुत से लोगों को पतंग उड़ाना पसंद होता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि पतंग उड़ाना गैरकानूनी है। भारत के एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के अनुसार अगर आप पतंग उड़ाना चाहते हैं तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और आश्चर्य की बात यह है कि यह एक्ट हवाई जहाज उड़ाने पर भी लागू होता है। अगर आप बिना अनुमति के पतंग उड़ाते हैं तो आपको 2 साल तक सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। नंबर फोर, भारत के लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग प्लेसेस ऑफ एम्यूजमेंट 1960 के अनुसार 10 से ज्यादा जोड़े एक ही जगह पर एक साथ नहीं नाच सकते हैं और अगर किसी प्रोग्राम में ऐसा होते हुए देखा तो पुलिस उस प्रोग्राम को बीच में ही बंद करा सकती है। नंबर फाइव, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की सेक्शन 147 ऑफ रेलवे एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति ट्रेन की पटरी को पार नहीं कर सकता, ये दरअसल गैरकानूनी है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा दी जा सकती है। लोग ओवरब्रिज, भूमिगत मार्ग या फुट ओवर की मदद से ट्रेन की पटरी को पार कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी कानूनों में से आपको कितने कानून पता थे और क्या कभी आपने इनमें से कोई भी कानून तोड़ा है तो हमें जरूर बताइए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।